हेलो दोस्तों, सैमसंग A53 इसका मॉडल है और इस फ़ोन में टच स्क्रीन का प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखो, टच स्क्रीन काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, परमानेंट सॉल्यूशन लेके आया हूँ। ये वीडियो देखो, इस फ़ोन में CPU रिबूल करने से भी आपका जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व नहीं होता है। कुछ दिन चलता है, उसके बाद दोबारा से टच स्क्रीन का प्रॉब्लम होता है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपको सिर्फ एक जम्पर करना पड़ता है, ये कनेक्टर में चेक करना पड़ता है कौन सा पॉइंट पर, A to Z आपको दिखाएगा इस कनेक्टर में कौन सा पॉइंट पे आपको जम्पर करना है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैं इमेज देखना चाहता हूँ, जो बोर्नियो का इमेज है। इस इमेज से मालूम चल जाता है हम लोगों को कौन कौन कनेक्टर को चेक करना है, मतलब कौन सा पॉइंट को चेक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख लो, ये बोर्नियो का कुछ इमेज है। तो बोर्नियो में क्या देख रहा है, ये टास्क का लाइन। तो टास्क का लाइन आपको चेक करना है, THP HDA 1.8 वोल्ट का जो लाइन है, इस लाइन को आपको फॉलो करना है। ठीक है, ये लाइन ब्रेक होने का वजह से आपका टास्क का प्रॉब्लम होता है। ये जो लाइन है, ये लाइन अगर आप मीटर से चेक करेंगे तो कभी कभार आपको रीडिंग देखने के लिए मिलेगा, कभी कभार नहीं मिलेगा। जब रेटिंग देखने के लिए मिलेगा तब आपका टच स्क्रीन काम करेगा, जब नहीं मिलेगा तब टच स्क्रीन काम नहीं करेगा। तो अभी जैसे आपने देखा था थोड़ा देर पहले, प्रॉब्लम क्या हो रहा था, टच स्क्रीन काम नहीं कर रहा था। तो अभी एक बार कनेक्टर को निकल के हम लोग चेक करेंगे, देखेंगे क्या इसमें जो GR वैल्यू है ये मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। इस फोन में अगर आप कनेक्टर को निकल के दोबारा डालते हैं तो फिर आपका टच स्क्रीन काम करना शुरू करते हैं उस टाइम के लिए, फिर ऑटोमेटिक टच स्क्रीन काम करना बंद हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखो, हम लोगों को कौन सा पिन चेक करना है, जो 1.8 वोल्ट का लाइन है उसको चेक करना है। और ये लाइन कहाँ पे आता है, यहाँ पे देखो एक छोटा सा कैपेसिटर है, इस पॉइंट पर आता है। यहाँ पे देखो, अभी देखो लाइन नहीं है, ब्रेक है, थोड़ा देर में यहाँ पे देखो आ गया। तो ऐसा इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, कभी आ रहा है वैल्यू, कभी नहीं आ रहा है। जब वैल्यू आ रहा है तब टच स्क्रीन काम कर रहा है, जब नहीं आ रहा है तब टच स्क्रीन काम नहीं कर रहा है। तो आपको करना क्या है, एक जम्पर करना है, CPU को अंदर से एक जम्पर करना है। आप बोर्नियो में जाके चेक कर सकते हो, नहीं तो मेरा वीडियो देख के आप जम्पर कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको चार लाइन चेक करना है, एक है VDD L16H TSP 3.0 वोल्ट, और एक तो है TSP HDA 1.8 वोल्ट, और एक तो है TSP INT, इसमें वोल्टेज नहीं रहता है। दूसरा है TSP SCL 1.8 वोल्ट। ये चार लाइन को आपको चेक करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखो, थोड़ा देर पहले वैल्यू नहीं था बोल के टच स्क्रीन काम नहीं कर रहा था, अभी वैल्यू आ गया है। अब चेक करते देखते हैं कि टच स्क्रीन काम करते हैं कि नहीं करते है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, टच स्क्रीन काम कर रहा है। तो इस फोन का यही प्रॉब्लम है, कुछ देर चलते हैं उसके बाद टच स्क्रीन काम करना छोड़ देते हैं। तो आपको एक लाइन जम्पर करना है, कौन सा लाइन जम्पर करना है, TSP HDA 1.8 वोल्ट, इस लाइन को आपको जम्पर करना है। तो चलो दोस्तों, फटाफट जम्पर करते हैं और देखते हैं कि हम लोग का जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होते हैं कि नहीं। वीडियो अगर कहीं पे थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और कुछ भी कमेंट कर लेना। तो दोस्तों, मैंने पहले इस फ़ोन को एक बार CPU रिबूल किया था, कस्टमर को डिलीवरी दे दिया, कुछ दिन चला, उसके बाद कुछ दिन पर तो गलत होगा, 2-3 दिन चला, उसके बाद फिर से रिटर्न आया टास्क का प्रॉब्लम। तो मैंने अच्छा से चेक किया है, इस फोन में सिर्फ एक लाइन का वजह से आपका ये टास्क का प्रॉब्लम होता है। आपको ये लाइन को जम्पर करना ही पड़ेगा। आप चाहे जितना भी सारे CPU रिबूल करो, कुछ भी करो, कनेक्टर चेंज करो, डिस्प्ले चेंज करो, कुछ फायदा नहीं है, आपको जम्पर करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, CPU निकलने का टाइम में आपको तो हीट वगैरह मालूम है, 335 से लेकर 340 के अंदर में हीट करना है, फिर CPU को रिमूव करना है। और ये पहले एक बार रिबूल हो चुका था तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। वीडियो को कंप्लीट देख लो और CPU को अंदर में कैसे जम्पर करते हैं वो भी दिखाएगा आपको। दोस्तों, बहुत सारे भाई को मालूम नहीं है, मेरा जो फेसबुक पेज था पहले वाला बिग मोबाइल रिपेयर, वो हैक हो चुका है, लगभग 1 साल होने वाला है। तो मैंने न्यू एक फेसबुक पेज क्रिएट किया है बिग मोबाइल रिपेयरिंग नाम से। बिग मोबाइल रिपेयरिंग आपको सर्च करना पड़ेगा, एक पेज आ जाएगा, वो मेरा है।
आप वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो वीडियो अगर अच्छा लगे तो। जब भी आप सैमसंग का सीपीयू को रिवोल करने जाएंगे कुछ ना कुछ पॉइंट जो है इसका निकल के आता है। ये सारे पॉइंट एनसी होते हैं, ये देख के घबराना नहीं है, कंटिन्यू काम करते रहो। और डिसोल्डर वायर की मदद से अच्छे से क्लीन भी करना है। यहाँ पे देखो जो क्लीन हो चुका है, थोड़ा सा वीडियो को स्पीड करेगा, थोड़ा सा कट सेट करेगा, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो बहुत सारे लंबा हो जाएगा। तो अच्छे से देख लेना है यहाँ पे, अच्छे से देखो कोई भी पिन वगैरह, ये काम का जो पिन है ये तो मिस नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ है, सारे ब्लैंक पिन निकल गया है। तो यहाँ पे देखो ये पिन पे जम्पर करना है, ये जो पिन है इस पॉइंट पर जम्पर करना है, ठीक है। अच्छा से देख लो, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाएगा। और जम्पर करने के बाद में आपको यूवी गुली से इसको फिक्स करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो ये जो पिन है इस पिन पे मैंने जम्पर कर दिया है, अभी यूवी गुली लगाएगा यहाँ पे और फिक्स करेगा। मेरा जम्पर वायर जो है ये हो गया 0.02 mm, 0.02 mm का, ठीक। आप किसी भी प्रकार का आप यूवी गुली लगा सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है। तो कुछ इस तरह से ये जम्पर करेंगे। अगर आपका फोन में आपने सीपीयू रिबल किया, कनेक्टर चेंज किया, डिस्प्ले चेंज किया, पत्ता भी चेंज किया, फिर भी ये फॉल्ट हो रहा है, तो आपको ये जम्पर करना है। अगर एक जम्पर करने के बाद में नहीं हो रहा है तो आपको ये जो चार लाइन है टास्क का, चारों लाइन को आपको जम्पर करना पड़ेगा एक एक करके, ठीक है। और ये 99% आपका जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा ये जम्पर से, तो एक बार ट्राई करके देख सकते हो, ठीक। तो अभी फटाफट सीपीयू को रिवोल्व करते हैं और डाल के देखते हैं क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं, ठीक है ना। और आप सबको तो मालूम है रिवोल्विंग करने का टाइम में 320 हीट या तो 300 हीट में रख के रिवोल्व कर सकते हो। और मेरे पास जो पीपीटी पेस्ट है ये मैकेनिक का है 183 डिग्री, अब दूसरा तीसरा भी यूज़ कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो ये रिवॉल्व हो चुका है, अभी इसमें डाल के देखते हैं। और मेरा जो फ्लक्स पेस्ट है ये मैकेनिक कंपनी का है, तो आप चाहे दूसरा तीसरा भी यूज़ कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे भी बोलते हैं, कमेंट करते हैं भाई कौन सा पेस्ट यूज़ किया, कौन सा पेस्ट यूज़ किया, कुछ भी लगा दो यार, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी पीपीटी पेस्ट लगाओ कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको अच्छे से लगाना आना चाहिए, बस इतना ही काम है, बस और कुछ नहीं। तो ऐसे ही बैठने से पहले थोड़ा सा फ्लक्स जो है आप लगा सकते हो, और सीपीयू के आसपास में जो भी आईसी है अच्छे से कवर करके रखो, नहीं तो हीट लगने की वजह से आपका फोन डेड भी हो सकता है। और बैठने का टाइम में 335 हीट चल रहा है मेरा ब्लोअर का। जब आपको लगे कि आईसी बैठ गया है तो फिर आपको थोड़ा सा फ्लक्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक बॉल को अच्छे से जोड़ना चाहिए मदरबोर्ड में, है ना। जो भी पेस्ट है आपके पास में थोड़ा सा लगा दो, फिर आईसी के अंदर से कुछ पेस्ट बाहर निकल के आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आईसी बैठाना हो गया, मदरबोर्ड भी ठंडा हो गया है, अभी फटाफट चेक करते देखते हैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व होते कि नहीं। अभी तो आप लोग बोलेगा ये तो कुछ देर के लिए चलेगा, आप चाहे जम्पर करो या ना करो। मैंने ये फ़ोन चेक किया है लगभग 8-10 दिन पहले फ़ोन को बनाया है, अभी भी चल रहा है, इसलिए वीडियो को अपलोड कर रहा है, ठीक है। और ये जो वायर है अच्छे से आपको फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो टूट जाएगा। यूवी गुली से अच्छे से फिक्स करो। तो ये बाहर का साइड में हम बाद में करेंगे, पहले चेक करते देखते हैं कि कहीं पे जम्पर वायर अंदर में शॉर्ट तो नहीं हुआ। अगर जम्पर वायर अंदर में शॉर्ट हो जाता है तो फिर आपका जो टच स्क्रीन है ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो मैंने कुछ इस तरह से जम्पर किया है इस मदरबोर्ड में, अभी चेक करते देखते हैं क्या ये जो प्रॉब्लम था टच स्क्रीन का ये सॉल्व हुआ कि नहीं। दोस्तों फेसबुक पेज में जाइए और उसमें फॉलो कर दीजिए, अगर हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये काफ़ी न्यू पेज है, पहले वाला तो थोड़ा बड़ा था पेज, तो इसको भी थोड़ा सा बड़ा करना है, आप लोगों का हेल्प चाहिए।
तो यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा देर में सेट ऑन हो जाएगा कम्प्लीटली, और क्या प्रॉब्लम देखते हैं सॉल्व होता है कि नहीं। और पीछे का जो वायर है ये अच्छे से आपको फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बाद में शॉर्ट हो सकता है, टूट भी सकता है, ठीक है ना। दोस्तों कंप्लीट ऑन हो चुका है, यहाँ पे देखो टच स्क्रीन काम कर रहा है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।